रिश्तेदार, कन्यादान करने के बाद बेटी पराई हो जाती है। उस माँ से जाके पूछो जिसके जिसका बेटा मरा है, उनके दिल पे क्या बीत रहा, उस बाप से जाके पूछो। बाप तुम्हारे आईएएस ऑफिसर है, तुम नहीं ना हो, अपने बाप के दम पे तुम उड़ रही हो। अपनी मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था उसको कैंसर है। आप झूठ बोलती हो मुझसे। मम्मी तेरे लिए वो घर है, तू वही रहेगी। हाँ, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इसका नाम पल्लवी है। दोस्तों अभी जो बात हम बताने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, कैमरे लगाने का रीजन भी है। ये इसके पापा जो है ना आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद इसका शादी एक ऐसे लड़के से करते हैं जिसका उम्र बस एक साल रहता है। एक साल के बाद वो लड़का मर जाता है। क्यों मरता है, क्या हुआ रहता है उस लड़के से, लड़के को क्यों इसकी मम्मी और इसके पापा जानबूझ के उस लड़के से इसका शादी कराते हैं, ये सारा चीज़ हम इससे जानेंगे। लेकिन दोस्तों हमको शर्म आ रहा है, जिसके पापा आईएएस ऑफिसर हैं उसके घर में इतना घटिया सोच सुन के ही हमको शर्म आ रहा है। दोस्तों तो हम चाहेंगे पल्लवी, जो तुम हमको सारी चीज़ बताई हो, दो तीन दिन से तुम लगातार फ़ोन भी कर रही थी, तो सारा थोड़ा सा हम लोग अपने आपस में लड़ झगड़ रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारे टीम में, तो जो भी बात है ना तुम एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ तुम बताओ, ठीक है। मेरे जो पाप, देखो थोड़ा लाउड बोलो, ठीक है ना, हम भाई समझ के बता सकते हैं ना, बड़ा भाई मानो या छोटा भाई मानो। जी मेरे पापा जो हैं वो आईएएस ऑफिसर थे और मम्मा भी हैं, और मेरी शादी एक अपाहिज लड़के से कराई थी जो पैरालाइज था पहले से, और मेरी मम्मी को मालूम था उसको कैंसर है। तभी मम्मी को मालूम था, हाँ, तभी मम्मी ने उससे मेरी शादी कराई, और अब मैं मम्मी के पास वापस आना चाहता हूँ। थोड़ा लाउड बोलो, ठीक है ना, क्या है कि थोड़ा आवाज़ भी तो आना चाहिए ना, तो थोड़ा लाउड। देखो हम जान रहे हैं कि तुम्हारे अभी दिल पे क्या बीत रहा है, लेकिन एक बार तुम शेयर करोगे तभी तक किसी न के मान लो, हम अपने से अगर बताते हैं किसी को तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। ये तुम्हारे पापा आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद इतना घटिया उनका सोच है। वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ इस घर में नहीं रहोगी, और वहाँ पे भी मेरे ससुराल में सारे मुझे कभी कुछ बोलते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे बेटे की जान गई, ये सब हुआ। और मेरी मम्मी मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, मेरे पापा भी सपोर्ट नहीं कर रहे, कह रहे कि तुम यहाँ नहीं रहोगी, मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया उन लोगों ने, मैं कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज़ मेरी मम्मी को समझाएं, मेरे पापा को समझाएं कि आई। देखो हम तुम्हारे बात को हम समझ रहे हैं, एक चीज तुम बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं समझ। जब तुम्हारा शादी हुआ था सब चीज़ तुमसे बताया गया था कि तो लड़के के साथ ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़, ये सब चीज़ नहीं बताया गया था? इतना पता था कि हाँ वो पैरालाइज है, मैंने कभी कुछ नहीं, पर ये नहीं बताया कि उसे कैंसर था। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है ये बताया गया था कि वो लड़का अपाहिज है, नहीं पैरालाइज है, लेकिन ये तुमको पता नहीं था कि उस लड़की को कैंसर था, और तुम्हारे घर वालों को सब हर चीज पता था? पता था उन्हें, यानी तुम्हारे साफ साफ यहाँ पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुमसे नफरत करते थे, वो बस तुमको अपने से साइड करना चाहते, तुमको हटाना चाहते थे। देख रू मत बहन, मेरा भाई हम दो ही है बस, और अब पता नहीं क्यों वो मुझे रखना नहीं चाहते। हम तो सुनते थे दोस्तों कि लोग बेटी से नफरत करता है, लेकिन आज यकीन भी हो गया कि लोग बेटी को घर में ही क्यों मार देते हैं। यही कारण है यार कि बाप के बाप आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद लड़की को किसी अंधे घर में जाकर ढा के आ जाता है लोग। लेकिन एक बात बताओ, ये सारे चीज़ तुम हमको बता रही है, हमको कैसे यकीन होगा यार? मान लो पब्लिक भी तुमको गाली देगा ना कि एक लड़की के बाद में तुम आके उसके माँ और बाप पे तुम ब्लेम लगा रहे हो, तो कुछ उपाय करो, अपने मम्मी को या पापा को किसी एक्स वाई जेड किसी को बुलाओ, यहाँ पे थोड़ा बात करो। मैंने मम्मी से बात करी थी, मम्मी कह रही थी कि मैं आऊँगी तुझसे मिलने के लिए। अच्छा, मम्मी बोल रही थी? हाँ, मम्मी को ज़बरदस्ती बुलाया, मम्मी आ नहीं रही थी, तो मम्मी कह रही चल मैं आती हूँ तेरे से मिलने के लिए, अब पता नहीं कहाँ है। एक बार फ़ोन करके देखो ना कहाँ सच में आ रही या नहीं आ रही।
स्पीकर पे ले लेना, लोकेशन वोकेशन सब यहाँ का बता देना, चाहे भेज देना तुम व्हाट्सएप। हेलो मम्मी, कहाँ रह गए आप? मेरे को एक मिनट का भी चैन नहीं है, अभी आ रही हूँ मैं तेरे पास। हैं? अपने आदमी को तो तूने मार डाला, अब हमारे पीछे पड़ी हुई है। मम्मी ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, तेरे से मेरा बेटा देखा नहीं जा रहा क्या? मम्मी ऐसा मत बोलो, आप एक बार ही बैठ के बात कर लो। आ रही हूँ, वही बैठ जा, बैठी हुई है, ठीक है, सोच रही हूँ अभी, पाँच मिनट में। यहाँ के लोकेशन तुम पहले भेज चुकी होगा? हाँ जी। तो माइक है, छुपा कर रखो, ठीक है ना? बाकी एक बार हम देखना चाहते हैं कि तुम जो बात बता रहे, इसे उनके बात से तो थोड़ा हमको यकीन नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं ना हमारे लाखों पब्लिक, उनको भी तो यकीन होना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो एक बार आने दो उनके, उसके बाद हम देखते हैं सारा चीज़, ठीक है? A few moments later. मम्मी पैर क्यों पकड़ रही है मेरे? मम्मी पीछे मम्मी ऐसे मत बोलो ना। पैर क्यों पकड़ रही है? अब क्या लेनी आई है मेरे से तू? मम्मी ऐसे मत बोलो, सारा कुछ तो बर्बाद कर दिया तूने, आदमी अपने को तो खा गई, ऐसे बेटा नहीं देखा जा रहा तेरे से। हैं मम्मी ऐसे मत, तेरे को पालने से अच्छा तो मैं कुत्ते को पाल लेती, वही अच्छा था। हैं मम्मी ऐसे मत, बैठ जा चल के। मम्मी हां मम्मी, नहीं अब क्या चाहती है मेरे से ये बता। आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ। क्या नहीं होगा? तूने ही कहा था ना मुझे अमीर चाहिए, मैंने अमीर से शादी करा दी ना तेरी, अब वो नहीं रहा, भगवान ने उसको उठा लिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने नहीं बताया था मुझे कि उसे कैंसर है, मेरे घर में आपने कुछ नहीं बताया था। मम्मी आप ऐसे ना बोलो, तूने कहा था ना पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, मैंने पैसे वाले से शादी करवा ली। अब तो मम्मी अब तो रखो, तेरे से पापा का पैसा देखा नहीं क्या? पापा तेरे आई एस एफ है तो देखा नहीं क्या? बोलो क्या नहीं बोलूँ, तेरी किस्मत है, जाओ उसी घर में रहना पड़ेगा तेरे को। आपने नहीं बताया ना मुझे, मैं अपने घर में तेरे को नहीं रखूंगी, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी ऐसा ना बोलो। मम्मी खड़ी हो जा, मेरे पैर छूने का कोई मतलब नहीं है, बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा यहाँ पे। मम्मी ऐसा एक साल में अगर वो चला गया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना? तो मम्मी तुमने भी तो नहीं बताया था ना मुझे, मेरा लाइसेंस है, पता था ना तुझे? तुमने तो मुझे बता नहीं दिया कि उसे कैंसर है। ये मुझे भी नहीं पता था उसको कैंसर है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? नहीं पता था मुझे, सिर्फ झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब पता था। तूने कहा था सब पता, मैंने तो बोला था ना, मेरे को नहीं पता था। मैंने तो बोला था कि हाँ लड़का अमीर होना चाहिए, पर इसका आपने ऐसे थोड़ा बोला था। मैंने अमीर ढूंढा, मैंने तो एक साल तक तो रह रही थी ना उसके साथ, मुझे बता दिया था उसका एक हाथ। ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे मत बोलिए, कैंसर का मुझे भी नहीं, मुझे आप कुत्ता बोल रहे हैं। हाँ? मुझे आप कुत्ता बोल रहे हैं। आप जैसी माँ को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, माँ ही नहीं होनी चाहिए थी, मर जाना चाहिए था, और तेरे जैसी लड़की को नहीं मर जाना चाहिए था। क्यों मर जाना चाहिए था? कुत्ते को पाल लेती, मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल। क्यों तेरे को क्यों पालना चाहिए था? आपको सब मालूम होने के बाद भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, तुझे अपने पापा की मैंने एक्सेप्ट किया था ना, उसको पैरालाइज था, मुझे भी दौलत वाला चाहिए। हाँ तो मैंने एक्सेप्ट किया था ना, मैंने तो आपको सब कुछ बताया था, बताया था। आपको तो सोचना चाहिए था ना कि उसे कैंसर था, तो आपने क्यों नहीं सोचा? मैंने कैसे कर सकती है मेरे साथ आप मेरी जिंदगी के खिलाफ? कैंसर का मुझे नहीं पता था, आपको पता था? नहीं, आप मेरी जिंदगी के खिलाफ ऐसे नहीं कर सकती। झूठ बोला, अब आप मुझे अपने साथ ही रखेंगे? मेरे को इतना पता था वो अमीर है, मैंने तुझे बता दिया था। मैं तो बदतमीज थी ना, मैं तो हूं ना बदतमीज, तो आप तो समझदार है, आप तो समझ सकती है ना, इसीलिए मैंने, आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, मैंने तुझे मेरी जिंदगी के साथ। मम्मी ऐसा मत करो, मैंने तुझे बता दिया था ऐसा मत करो ना मेरे साथ, तूने कहा था कोई मेरी जिंदगी क्यों खराब कर। मुझे सच में नहीं मालूम था उसको कैंसर है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब कुछ पता है। एक बात बता, तू अपनी माँ को कह रही है कि मर जाओ, है? मैंने 9 महीने तेरे को अपनी कोख में रखा है, और अपनी लड़की, मेरी अपनी लड़की मेरे को कह रही है कि तुम मर जाओ, है? आप मेरे से झूठ नहीं बोल सकती, आपने मेरी जिंदगी खराब करी है। मैं आपको पता था सब कुछ, मैं अपनी आपको सब मालूम था, आप ऐसा नहीं कर सकती है मेरे साथ, आप मुझे इमोशनल मत कीजिए। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहती हूँ मुझे नहीं मालूम था उसको कैंसर है। आप झूठ बोलती हो मुझसे, तेरे लिए आपको मालूम है? नहीं,
मैं अपनी मम्मी आपको सब कुछ मालूम था। मैं तेरी नानी की कसम झूठी खाऊंगी। आपको सब कुछ मालूम था। मुझे कहा था मुझे अमीर लड़का चाहिए, अमीर लड़का चाहिए। तो मैंने तो आपको बताया था ना, मैंने सिर्फ बच्चे की गलती है। आपको आप ऐसे नहीं कर सकती। आए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए लेकिन तू नहीं मानी। नहीं मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो मैं तो अमीर घर में जाऊंगी ना। आप चाहेंगी कि मैं ऐसे रहूं, फुटपाथ पे रहूं? आप ये चाहती हैं? कहा था कैसा भी हो। हाँ तो मैं रह रही थी ना, तो आपने क्यों नहीं देखा? उसको कैंसर था, आपको सब कुछ मालूम था, पापा को सब कुछ मालूम था, भाई को सब कुछ मालूम था। आप झूठ बोल रही हो, आप झूठ क्यों बोल रही हो? सारी बातें मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बुरा चाहूंगी? नहीं। मैं तो नहीं चाहूंगी ना तेरा बुरा। मैंने सोच समझ के ही तेरी शादी की थी ना अमीर घर में। वो वहाँ पे जो रहते हैं वो भी तो तेरे माँ बाप है ना, तुझे वही रहना चाहिए ना। पर आपको तो पता था ना सब कुछ। मुझे ये नहीं पता था उसको कैंसर। आप चाहती है मैं ऐसे ऐसे रहूं? आप ये चाहती है मैं ऐसे रहूं? मैं नहीं चाहती। नहीं आप ये चाहते कि मैं, देख मेरी बात, मैं ऐसे सफेद साड़ी में रोजाना घूमती रहूं, भटकती रहूं? आप ये चाहती है? एक बात बता, सीता माता को जानती है? देखो राम सीता को जानती है ना? हाँ। सीता 14 साल वनवास में रही थी ना अपने पति के साथ। क्यों रही थी? वो उससे प्यार करती थी इसलिए रही थी ना। तो अपने पति से प्यार करती थी ना। वो जो वो है वो तेरे माँ बाप हैं। अगर वो चाहेंगे तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। मैं तेरी दूसरी शादी नहीं करवाऊंगी ना, मैं तुझे अपने घर। आप ऐसा नहीं कर सकते। तेरे लिए वो आप घर मुझे अपने साथ रखे या आप मेरी कहीं और शादी कराएंगे? तेरे लिए वो घर है, तू वही रहेगी। हाँ मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। सुन ले, आप ऐसा नहीं कह सकते। नहीं वो तेरे माँ बाप है, वो जो देवर है वो तेरा भाई है। वो अगर चाहेंगे तेरी शादी कर दे। ऐसा मत बोलिए मम्मी, आपकी बेटी हूँ मैं। आप मुझे चाहती है मैं ऐसे दर दर भटकू सफेद साड़ी में? बेटी है मैं, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। ऐसा थोड़ी ना मम्मी होता है। आप तो मेरा साथ देना चाहिए आपको। मैं तेरा साथ, आप ऐसे कैसे कर सकती है? अगर तुझे पैसा चाहिए मैं तुझे पैसा दे सकती हूँ। 20-30 हज़ार रुपये महीना मैं तुझे भेज सकती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। मम्मी अब ऐसा मम्मी हो गया, ऐसा किसे बोल सकती? उसी घर में रहना है, समझ गई ना मम्मी? ऐसा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ऐसा जैसे तेरा पति तेरे लिए चला गया ना, ऐसे ही समझ ले मेरे तेरे माँ बाप भी तेरे लिए नहीं रह गए। ऐसा मत बोलिए मम्मी, मत बोलिए। हम तुम्हारे लिए नहीं है, बैठ जाओ। उसी घर में रहना पड़ेगा मम्मी। वो चाहेंगे तो तेरी शादी करो। मम्मी कौन सा बेटा मेरा? आप बैठे ना, बैठिए। तू बुला के लाई है इनको? हाँ यही बुलाई है। किस लिए? बात करना था। बोलो। देखिए आप जो कह रही है बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उसका क्या गलती है इसमें? उसको इतना इसकी ये गलती है, ये हमारे घर में शुरू से धन दौलत में रही है, ठीक है। इसके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, इतने अच्छे अच्छे, लेकिन ये कहती है मुझे पैसे वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए। हमारे घर में जितनी दौलत है उसे 10 गुना ज़्यादा दौलत चाहिए मुझे। तो मैंने इसको कहा था 10 गुना दौलत है उसके पास, लेकिन मम्मी आपने नहीं बताया था कि उसे कैंसर है। ये मुझे नहीं मालूम था कि उस लड़के को कैंसर है। अब इसकी किस्मत इसके साथ है ना, एक साल में अगर आपके पति IAS ऑफिसर है, एक नॉर्मल परिवार का भी लोग जब बेटी का शादी करने कहीं जाता है ना, तो उसके खानदान का 3-4 पीढ़ी का पता लगाता है क्या है क्या नहीं है। लड़के को कैंसर था, कोई बुखार नहीं था, कोई खांसी सर्दी नहीं था कि किसी को पता नहीं होगा। दुनिया हर लोग, उसके गांव के हर लोगों को पता होगा कि उस लड़के को कैंसर है, फिर भी आप जान बुझ के अपने बेटी को मौत के कुएं में जाके धक्का दे के आ गई। अब माँ हो, अब आपको माँ बताते हो? ये बात झूठ है कि हमें पता था उसको। आपको पता था लेकिन आपको अपने बेटी से नफरत था, इसलिए आप उसको जाके जान से मार दिए। अगर आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। अगर नफरत होती तो मैं इसको मारना देती घर पे ही। तो अभी अभी भी तो इसको मार दिए ना। क्यों? कितना एज है इसका? हमारे एज के जैसी होगी। अमीर घर में तो मैंने अमीर घर में करवा दी ना। बेटा बेटी कितना भी गलती करता है लेकिन माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि उसको सही राह पे ले जाना। वो कुछ भी बोलेगी तो आप कुछ भी कर दोगे? तो नहीं मानी थी ना, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, मैंने बोला था यहाँ कर ले, नहीं मानी ना। तो आपने जानबूझ के इसको कैंसर वाले लड़के से शादी करा दे जिसका आयु बस 1 साल था। एक साल के बाद वो मर गया, विधवा हो गई है। ये बात उन्होंने छुपाई हमसे कि उसको कैंसर था। आपको पता नहीं था सच में? हमें नहीं पता था। क्यों झूठ बोल रहे हो आप यार? मालूम था।
झूठ बोलने से मुझे क्या मिल जाएगा? नहीं मालूम था मैं अपनी बेटी को विधवा करूंगी क्या? नहीं मालूम था हमें उसको कैंसर है? आप अपने साथ भी तो नहीं रख रहे हैं। ये मालूम था उसका पैरालिसिस है बस, और इतने अमीर है। तो अभी आप क्यों उसको अपने साथ में क्यों नहीं रखना चाहते हो? बेटा देख, उसकी शादी हो गई है, जहाँ वो रह रही है वो उसके माँ बाप है ना, अब वो चाहेंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। मेरा तो कोई हक नहीं है ना इसके ऊपर। डेली मुझे ताने देते हैं, मुझे जलील करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपनी माँ के पास ही जाऊँगी। मम्मी देखो, जो तुमने गलती किया ना उसी का तुम अभी भोग रहे हो। जो इंसान अपने माँ बाप का कदर नहीं करते उनका कहीं इज्जत नहीं होता है। तुमने भी वही किया ना। अच्छे से तुम्हारे लिए रिश्ते आते थे, लेकिन तुमने उनको ठुकरा दिया केवल पैसों के लिए। रिश्ते जो होते हैं ना पैसों से नहीं बनते हैं, जज्बात से बनते हैं, प्यार से बनते हैं। लेकिन हर चीज को तुम पैसों से तौल देती हो। हर चीज तुम्हारे लिए पैसा है। तुम्हारे लाइफ में पैसे से अलावा कोई चीजें नहीं है। बात तुम्हारे आईएएस ऑफिसर है, तुम नहीं ना हो। अपने बाप के दम पे तुम उड़ रही हो, अपने दम पे उड़ो। उसका ड्रामा अभी तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा हमको समझ में आ रहा है। तुम एक विधवा हो चुकी हो उस टाइम। लेकिन पैसा पैसा बस, सिर्फ पैसा दिख रहा था बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था इसको। आंटी अपने जगह पर बिल्कुल सही। अगर हर लड़की यही चाहेगी उसके पति के डेथ होने के बाद, कोई नहीं चाहती कि उसका आदमी अमीर हो। इतना अमीर। अपने मम्मी पापा की तो बात मानो, इनका कहां कहीं से भी गलत सोच है, तुम ही बताओ। वो लोग जा रहे तुम्हारे शादी कहीं और हो। तुम्हारा घर परिवार तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा नैहर नहीं, तुम्हारा घर नहीं। हर चीज में तुम्हारा सपोर्ट कर ही रहा है लो। इनका भी समाज में इज्जत है बहन, तू समझो बात को, समझो। तुम उनको प्यार दो, अगर वो चाहेंगे तुम्हारी दूसरी शादी करवा दे। जरूर कराएंगे यार, उनको भी पता था। उनको नहीं पता होगा क्या? उनको दूसरा बेटा वोटा नहीं है? नहीं, इकलौता लड़का था। तो मान लो इतना सारा प्रॉपर्टी है, तुम ही ना एक हो। अब ये बूढ़े माँ वो जान रहे। देखो ताना, हर बेटा कोई किसी का बेटा मारा, जैसे तुम्हारा पति का डेथ हुआ ना, तो तुम अभी कितना दिन हुआ उनके डेथ को? थोड़ा टाइम ही हुआ, मन एक डेढ़ महीना हो गया होगा। तो एक डेढ़ महीना तुम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो? उस माँ से जाके पूछो जिसका बेटा मरा है, उनके दिल पे क्या बीत रहा। उस बाप से जाके पूछो, उस बूढ़े। इतना सारा पैसे होने के बावजूद तुम्हारा दूसरे जगह शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? तुम किसी बच्चे को गोद ले लो यार। अब माँ तो अब तुम माँ माँ बनो यार। इतना सारा प्रॉपर्टी है, कौन उसको देख रेख करेगा? हाँ, लेकिन तुम समझती नहीं हो यार, दूसरी शादी करना है तुमको। अगर दूसरी शादी वो लोग करते हैं तब अच्छा है। देखो यहाँ पे जो है ना, तुम्हारी माँ गलत है ना तुम गलत हो, लेकिन तुम्हारी माँ जितना सही है तुम उतना सही हो। तुम्हारे लिए इनको, आपको सच में पता नहीं था कि उस लड़के को कैंसर है? उन्होंने गलत किया कि तुमको नहीं बताया? झूठ, हमें नहीं पता था उसको कैंसर है। ये झूठ बोल रही है। जब लड़की को मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं ऐसी लड़की को अपने घर में क्यों रखूं? क्या करूं मैं रख के इसको? वहां जाके उनकी सेवा करे, वो बूढ़े बेचारे दोनों अकेले हो गए हैं, उनकी सेवा करे जाके ये है? अगर उनको इस पे आएगा तरस तो ये करवा देंगे दूसरी शादी इसकी। तुमको मेरा क्या हक है? यहाँ तुम कुछ समझ में, हम करे तो करे क्या है? गलती तुम की हो। एक साल तक जब तुम खुश थी, हर चीज का तुमको शौक ऐसो मौज मिल रहा था, तब तो तुमने अपने माँ को उस समय ब्लेम नहीं किया। तब तो शादी लड़का पसंद किसने किया था? माँ बाप ने किया था। तो पसंद तुम ही को नया था ना? 36 कितना रिश्ते तक का जो तुम्हारे लिए आया था, उसमें से कोई तुमको पसंद नहीं आया? उसका औकात कम था, पैसे कम था उन लोगों के पास। बोलो अब बताओ, दो जवाब इसकी बात का। तो कौन सी लड़की चाहिए? उनके पास पैसा नहीं था। मैंने सब कोई का सब नहीं है कि सब कोई शाहरुख खान के बेटे से ही शादी करेगा। इतने सुंदर सुंदर लड़के, इतना भी जो जो लड़के आते थे उनका भी एक हैसियत था, लेकिन तुम्हारे सोच से थोड़ा कम था। तो तुम्हारा सोच तो कुछ ज्यादा ही था। एक हम लोग काम करते हैं, सुनो, तुम्हारे हम लोग ससुराल चलते हैं, ठीक है? वहां पे हम चल के एक बार बात करते हैं उन लोगों का क्या राय है, ताकि सबको लेके चलना है। यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं, वो तुमको कन्यादान कर चुके हैं। तुम
बस तुम एक नहीं होते, रिश्तेदारी निभा सकते। अब तुम बेटी नहीं रही इनकी, रिश्तेदार हो गई हो। रिश्तेदार कन्यादान करने के बाद बेटी पराई हो जाती है। अब तुम्हारा जो भी डिसीजन लेना है ना, एक बार माँ बाप तुम्हारे वो माँ बाप हुए, अब तुम्हारे एक माँ बाप नहीं है, दो दो माँ बाप हैं, एक ससुराल वाले एक नैहर वाले। तो दोनों से तुमको पहले, इनका कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे बोलेंगे ऐसे होगा। रो क्यों रही है सिस्टर? शादी के बाद तुम हमारे लिए पराई हो गई हो, उनकी अपनी हो गई हो। देख वो बहन जो चाहेंगे वही होगा। सुन, खड़ी हो गई अंडी खड़ी हुई है आप भी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सोच रही है, तुम दूसरी शादी करो, उनको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार उनसे राय ले लो, जो तुम्हारे लिए इतने सपने देखे थे, तुमको अपने बेटी की जैसा प्यार करते थे, ये अभी ना ताने दे रहे हैं। पहले ताने नहीं ना मारते थे, पहले नहीं ना ताने देते थे, तो मैंने ज़्यादा टॉर्चर करते थे, कभी कभी बोलते हैं। नहीं, पहले कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं, इससे मुझे कभी कोई शिकायत की नहीं उनकी। बहुत रो रही है एक बार हम चल के हम लोग बात करते हैं उनके घर पे ना। ठीक है, चलो आप। अगर वो दूसरी शादी करने के लिए बोलेंगे तो दूसरी शादी हम लोग कराएंगे इसका। हाँ हाँ ठीक है, अगर वो तैयार है तो मैं तैयार हूँ। बाकी देखिए आंटी, हम यहाँ पे कैमरे लगाए थे, हमको लगा कि आप गलत हो, लेकिन आप गलत नहीं। हर माँ बाप यही चाहता है यार कि मेरा समाज में एक इज्जत रहे, आप तो चाह रहे हो ना ये है। कोई माँ बाप अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए यहाँ पे। बाकी हम इसके ससुराल चलते हैं, एक बार बात करते हैं, जो भी डिसीजन आएगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। चलिए, रो मत बहन, ठीक है ना तू?